हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए दो बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट मुझे बताना हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझ तक पहुँचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसके अलावा आप बस स्टोरी सुन के चले जाते हो और ना तो वीडियो पे कमेंट करते हो और ना ही वीडियो को लाइक करते हो, जो कि एक गलत बात है। कम से कम आप मेरी मेहनत के लिए कमेंट्स के ज़रिए मुझे बता तो सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा या फिर बुरा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। मेरा नाम तुषार है। मेरा जन्म पश्चिम बंगाल के एक गाँव कुर्सियोंग में हुआ था। बचपन से ही मैं दिल्ली में अपनी बुआ जी के यहाँ पर रहते आया हूँ। उनके बेटे के साथ ही वहीं पर मैंने पढ़ाई भी शुरू की थी और अब एक कॉलेज में भी प्रवेश ले चुका हूँ। मेरे माता पिता ने ही मुझे मेरी बुआ के यहाँ दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए भेजा था। वे चाहते हैं कि मैं दिल्ली के किसी अच्छे कॉलेज में ग्रेजुएशन करूँ। खैर, गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी थी। मैं इस बार अकेले ही अपने गांव जा रहा हूं। कई बार मेरे पिताजी ही आते थे मुझे लेने के लिए, लेकिन इस बार वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। कई बार मैंने सुना था कि मेरे गांव के पहाड़ी जंगलों के पास से जाने वाली सड़क काफ़ी ज़्यादा सुनसान होती है और कई लोगों को कुछ भ्रम सा वहाँ पर होता रहता है। मेरा गाँव पहाड़ी इलाके में है और जंगल भी है वहीं पर, तो कई तरह के जीव अक्सर वहाँ पर देखे जा सकते हैं। मैं दिल्ली से अपने प्रदेश या स्टेट में पहुँच ही गया था। आज मैं अपने आज के गांव के डिस्ट्रिक्ट तक पहुँच चुका हूँ और दिल्ली से लेकर यहाँ तक का सफ़र सुखद रहा मेरे लिए। अपने डिस्ट्रिक्ट के एक लॉज में रात बिताने के बाद कल फिर से सफ़र तय करके मैं अपने पैतृक गाँव पहुँचूँगा, अपने कुर्सियोंग। अगली सुबह। आज का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, सुहावना। ठंडी हवाएं चल रही हैं और आसमान में सूर्यदेव टिमटिमाते हुए नजर आ रहे हैं। धूप खिली हुई है। मैंने एक टैक्सी बुक की और नियत समय पर टैक्सी लेकर ड्राइवर भी आ गया। हम अब टैक्सी में सवार होकर चल पड़े थे कुर्सियोंग की ओर। आप कुर्सियोंग से हैं? ड्राइवर ने बोला। जी हाँ, आप कहाँ से हो? मैंने उन्हें पहले जवाब दिया और फिर उनसे पूछा। मैं आपके गांव के बाद जो छोटा सा कस्बा स्थित है वहां का निवासी हूं। टैक्सी चलाकर ही गुजारा करता हूं, यही मेरा रोज़गार है, उसने कहा। मैंने इस पे हामी भरी। मुझे अब नींद आने लगी। सड़क पर टैक्सी मध्यम गति से चल रही थी। वैसे मैंने काफ़ी सुना है आपके पहाड़ी गाँव के बारे में। यहाँ इस सड़क पर पैदल चलने वालों की मुलाकात कई बार पहाड़ी राक्षस से हुई है। सुना है कि रात में गांव के आसपास से गुजरने वाले लोगों को पहाड़ी राक्षस की डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने तो दावा किया है कि उन्होंने सिर कटे हुए पहाड़ी राक्षस को देखा, वो भी पेड़ों के ऊपर बैठे हुए। सड़क भी सुनसान नहीं रहती है यहाँ की। सड़क किनारे से ही जंगल का रास्ता भी है, जो डरावनी आवाज़ों के लिए आजकल जाना जाने लगा है। इसी वजह से रात के समय मैं तो टैक्सी नहीं चलाता, ड्राइवर ने थोड़े डरावने अंदाज में कहा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा पहाड़ी गांव किसी पहाड़ी राक्षस के कारण इतना प्रसिद्ध हो चुका है। जो भी हो, मुझे तो किसी पहाड़ी राक्षस का नामो निशान तक नहीं दिखा है मेरे गांव में। ज़रूर लोगों का कोई मति भ्रमी होगा या फिर किसी तांत्रिक का बुना हुआ माया जाल, मैंने आत्मविश्वास के साथ कहा। वे चुप रहे। मुझे अब गहरी नींद आने लगी थी तो मैं फिर से सीट पर लेटकर सो गया। लगभग 30 मिनट बाद मेरी आँख खुली। देखा कि जंगल के इलाके से हम लोग गुजर रहे थे। यही जंगल मेरे गांव तक जाता है और पहाड़ भी है इस जंगल के अंदर, घने पेड़ों के बीच। मुझे अब अच्छा महसूस होने लगा कि मैं अपने गाँव पहुँचने ही वाला हूँ। आसपास के सड़क किनारे कतारबद्ध पेड़ों को देखते हुए मैं एक अजीब सी सिहरन अपने शरीर पर महसूस कर पा रहा हूँ। एक तेज सी आवाज़ हुई
और येलो टैक्सी के आगे का पहिया पंक्चर हो गया। अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। अब टैक्सी के पंक्चर हुए चक्के को रिपेयर करना पड़ेगा, ड्राइवर ने उतर कर पंक्चर हुए चक्के का निरीक्षण करने के बाद कहा। मैंने सोचा कि मेरा गांव का सिवाना यानी कि गांव की सीमा मैंने पार कर ही ली है, तो अब टैक्सी वाले को पैसे देकर पैदल ही अपने घर की ओर चले जाना चाहिए। मैंने उसे पैसे दे दिए, फिर अपने दो बैग्स ले लिए और उसके बाद मैं पैदल चल पड़ा अपने घर की ओर। चलो अच्छा हुआ जो सिवारा पार करने के बाद ट्रक का पंचर हुआ, वरना अगर पहले हुआ होता तो दिक्कत हो जाती। मेरे गांव की ओर गिने चुने टैक्सी वाले आते हैं, बाकी दिन भर सड़क सुनसान ही रहती है यहाँ की। मुझे थोड़ी सी घबराहट सी हो रही थी, न जाने क्यों। चलते हुए मैं काफ़ी दूर आ गया था। मैंने सड़क को अच्छे से देखा, शायद कोई बाइक सवार ही मिल जाए तो घर पहुँच जाऊँगा ये सोचकर, लेकिन सड़क तो बिल्कुल वीरान पड़ा था। मैंने दूसरी तरकीब सोची, मोबाइल निकाल कर सोचा कि कॉल करके अपने घर के किसी सदस्य को बुला लूं, पर देखा कि फ़ोन में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, और जो थोड़ा बहुत नेटवर्क आता तो कॉल करने पर उनका नंबर अनअवेलेबल दिखा रहा था। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, अब मैं तेज़ी से चलने लगा। तभी मेरी नज़र सड़क किनारे के एक पेड़ पर जाकर अटक गई और दिल जोरों से धड़क उठा। पेड़ किसी राक्षस की तरह दिख रहा था, मानो वो पेड़ नहीं बल्कि जीवित राक्षस ही हो। मेरी नज़रें दूसरी ओर मैंने कर ली और मन में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, उतनी ही जितनी मुझे आती थी। लेकिन अब मन में ड्राइवर की कही हुई बातें गूंजने लगी थी, पहाड़ी राक्षस वाली। कुछ देर बाद मुझे प्यास लगने लगी, एक पेड़ के नीचे जाकर मैं बैठ गया और बैग के अंदर हाथ डालकर मैंने पानी की बोतल को बाहर निकाला। जैसे ही मैंने बोतल निकाल कर देखी तो मैं दंग रह गया, क्योंकि बोतल में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। मैंने दूसरी बोतल भी निकाली पर वो भी पानी रहित थी, और अब मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा था। आसपास मैंने देखा तो सफ़ेद कोहरा सा धीरे धीरे छाया जा रहा था। शाम होने को थी और ये देखकर मैं उठा और अब आगे चल पड़ा। ये सड़क जंगल के बीचों बीच थी, सड़क किनारे पेड़ों की बहुलता साफ नजर आ रही थी। यहाँ आओ मैं तुम्हें पानी दूंगा, डरावनी सी एक आवाज पेड़ की एक ओर से आई। मैंने देखा कि उस पेड़ की मोटी रस्सी जैसी डाली पर एक बिना हाथ पैर वाला खौफनाक राक्षस बैठा हुआ मुझे अपनी डरावनी आंखों से निहार रहा है। मेरी तो गिग्गी ही बंद गई, बैग्स हाथ से फिसल कर सड़क पर गिर गए और मैं तेजी से भागने लगा। वो सच में पहाड़ी राक्षस की तरह दिख रहा था। मैं दौड़ते हुए थक गया और नजरें उठाकर आसपास देखने लगा। मुझे अचानक से अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने हिम्मत दिखाई और उसकी ओर मुखातिब हुआ तो देखा कि वो पहाड़ी राक्षस मेरे बेहद करीब खड़ा हुआ है, और उसका सिर भी कटा हुआ है और दाईं ओर लटक रहा था, और जितना हिस्सा उसका उसकी गर्दन से जुड़ रहा था उसमें से काफ़ी तेज मात्रा में खून रिस रहा था, जिसे देखकर मेरा मन भी और विचलित हो गया। मेरे मन में डर बैठ गया, मैं चक्कर खाते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया और मैंने निगाहें उठाकर देखा तो मैं जंगल की झाड़ियों के बीच लेटा हुआ था और मेरे कपड़ों पर खून के निशान थे, शरीर काले रंग का हो गया था, और मैं अब उस पहाड़ी राक्षस को याद करके कांप उठा। फिर से अब मैं पूरी शक्ति के साथ भागने लगा। मुझे रात होने से पहले ही जंगल से बाहर निकलना था। मैं बेतहाशा दौड़ते हुए पसीने से लथपथ हो गया था और अब मेरी सांस भी फूल गई थी। कदम डगमगाए से थे और फिर मैं एकदम से गिर गया। डरावनी आवाज़ें एकदम से मेरे कान में सुनाई आने लगी। थक गए, कितना भी भाग ले मुझसे नहीं बचेगा। अट्टहास करते हुए वो पहाड़ी राक्षस फिर से मेरे सामने प्रकट हो गया। बेहद खौफनाक चेहरा, किसी काले धुएं की तरह, पहाड़ जैसा शरीर, बेहद डरावना। मैं फिर से बेहोश होने ही वाला था कि वो पहाड़ी राक्षस मेरी ओर को झुका और मुझे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपने मुंह के पास मेरे दाएं कंधे को ले गया। फिर अपना मुंह खोलने के बाद उसने अपने पैने धारदार दांतों से मेरे कंधे पर घाव करना शुरू कर दिया, और अब वो
मेरा खून पीने लगा। मैं अपनी मौत का इंतज़ार करने लगा। रात हो चुकी थी और मुझे ये रात अपनी ज़िंदगी की अंतिम रात लग रही है। मुझसे दर्द सहा नहीं जा रहा था। फिर मैं बेहोश हो गया। अगली सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं जर्जर हालत में अपने घर से 25 कदम की दूरी पर ज़मीन पर पड़ा हुआ हूँ। कुछ लोग मेरी ओर आए और सहारा देकर उन्होंने मुझे उठाया। फिर उसके बाद वे मुझे मेरे घर तक पहुँचा गए। मैं उस पहाड़ी राक्षस से हुई अपनी खौफनाक मुलाकात को कभी नहीं भूल पाऊंगा। सच में मेरा जंगल के बीच में बसा हुआ पहाड़ी गांव कुर्सियांग एक पहाड़ी राक्षस के चंगुल में फंसा हुआ है। इसीलिए लोग शाम ढलने के बाद अपने घरों में कैद हो जाया करते हैं। इसीलिए लोग सड़क पर पैदल या अकेले कभी भी नहीं जाते। रोज की तरह आज भी रवि की पत्नी शांति ने दो मटके पकड़े और घर से बाहर निकली, घूंघट किया और चल पड़ी कुएं की ओर पानी भरने। कुएं का निर्मल जल अपने मटके में भर रही कुछ महिलाएं पर्स पर बातचीत कर रही थी। शांति के घर से कुआं थोड़ी अधिक दूर पड़ता था, लेकिन शांति के घर के आंगन में खड़े होकर कुएं को आसानी से देखा जा सकता था। शांति की हम उम्र महिलाएं कुएं में बाल्टी डालकर रस्सी से बाल्टी ऊपर खींच लेती हैं और फिर शांति के आने के बाद उनकी पंचायत जमती है। पूरे गांव की, आस पड़ोस की, अपने घर की और ना जाने कहां कहां की बातें महिलाएं आपस में करती हुई पानी भरा करती हैं। शांति बावड़ी या यूं कहें कुएं के पास पहुंची। उसके कानों में एक अन्य महिला की आवाज़ गई, सुना है कि अपनी सोनाबाई भौजाई की नई नवेली बहू ने अपने शरीर में मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली थी कल रात को। फिर क्या था, जल गई, घर वाले जागे और पानी लेकर उसकी ओर भागे। बावली थी उनकी बहू, घर के पीछे अंधेरे में जाकर वो जलकर मर गई। आग ऐसी लगाई थी कि कोई उसे बचा ही ना पाया। वो महिला पानी से भरे मटके को सिर पर रखे गुंडरी के ऊपर रखते हुए बोली, मैंने भी आज सुबह ही सुना बहन, उसके ससुर के तो दाएं हाथ भी जल गए हैं अपनी बहू को बचाते हुए। दूसरी महिला ने कुएं के जल में बाल्टी गिराते हुए कहा, फिर रस्सी पकड़कर ऊपर की ओर बाल्टी खींचने लगी। अरे जब घर गृहस्थी चलानी ही नहीं थी तो शादी क्यों करी? फिजूल में उसके सास ससुर और उसके पति को थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे। अब उसके माँ बाप भी तो आए हैं, पता नहीं कौन सी पंचायती होगी। अब खाली मटके को कुएं के पास जमीन पर रखती हुई अधेड़ उम्र की महिला बोली, ओ शांति यहाँ आओ, वहीं खड़ी रहोगी तो तुम्हारी पारी ही नहीं आएगी पानी भरने की। सुजीता भाभी ने शांति को देखते हुए कहा। थोड़ी देर बाद शांति और सुजीता भाभी को छोड़कर बाकी महिलाएं कुएं से पानी भरकर अपने अपने घर की ओर निकल पड़ी थी। सुजीता, क्या सच में सोनाबाई काकी की बहू में कोई ऐब था? मुझे तो भली लगती थी बेचारी, शांति ने बाल्टी कुएं में गिराते हुए पूछा। नहीं री, कोई ऐब नहीं था, लेकिन काकी और काका को दहेज का चस्का लगा हुआ था और अभी भी लगा हुआ है। बेचारी कविता हाजिरी बजाती थी उनकी, सारा काम करने में लगी रहती थी, सुबह से शाम तक घर के काम करती, फिर दो मटके पकड़कर इसी कुएं में पानी भरने आती। बड़ी सीधी सादी थी, माँ बाप गरीब हैं लेकिन फिर भी खूब दहेज देकर विदा किया था अपनी कविता को। लेकिन उसके सास ससुर और उसके पति की दहेज पिपासा शांत नहीं हुई, बल्कि समय के साथ साथ बलवती होने लगी। कविता और उसके माँ बाप पर दबाव बनाने लगे कि वो उसे 50,000 नकद दें। मुझे तो लगता है कि पैसे ना मिलने पर उन लोगों ने मिलकर ही कविता को रात में आग के हवाले कर दिया और झूठ मूठ के जख्मों को दिखाते फिर रहे हैं ताकि कोई उन पर शक न कहे और बहू ने आत्महत्या की है ये साबित हो जाए। अब तो ये साबित हो भी गया है, आखिर के शब्द गुस्से से सुजीता भाभी ने बोले। शांति का मन भारी होने लगा। कविता पानी भरने इसी कुएं में आया करती थी और चुपचाप चली जाती थी, ना किसी से बात ही करती थी और ना ही किसी की चूली। शांति से कुछ कहा ना गया। सुजीता ने एक मटका लाया था, पानी भरकर वो चली गई। अकेली कुएं के पास दो मटकों में पानी भर रही शांति कुछ बेचैन होने लगी। बाल्टी को कुएं में गिराते हुए
उसकी नज़र पानी में दिख रही परछाई पर गई तो शांति के हाथ कांप उठे। वो झट से कुएं से दूर हो गई। एक मटके में पूरा और दूसरे में आधा पानी भरा हुआ था, जिसे पकड़कर शांति अपने घर की ओर मुखातिब हुई। अजीब सी करहा ने चीखने की आवाज़ें कुएं के जल से निकलकर शांति के कानों में गूंजने लगी और अब वो तेज़ी से चलने लगी। घर जाकर रात का खाना खाने के बाद शांति अपने कमरे में गई और पलंग पर लेटी हुई थी। खिड़की वो रोज खुली रखती थी, लेकिन आज एक अनजाने से डर से उसने खिड़की बंद कर रखी थी। नींद तो आंखों से कोसों दूर थी, पर शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ रही थी उसके देह में एक आबाद गति के साथ। रात के 10 बजे उसने महसूस किया कि वो बुखार के ताप से तप रही है। रवि बाबू पड़ोस के गांव गए हुए हैं किसी काम से। घर में सास ससुरी हैं और वे सोए हुए हैं। शांति अपने माथे पर हाथ फेरते हुए उठी और रसोड़े की ओर बढ़ गई। रसोई में जाकर कोने में रखे हुए मटके के ढक्कन को खोलते ही उसे जल में अपने चेहरे की जगह किसी और महिला का बेहद डरावना चेहरा नजर आया। झटके से वो दूर हट गई। उसकी सांसें तेज हो गई थी और अब वो पसीने से तरबतर हो गई थी। तभी एक आवाज़ उसके कानों में गई, शांति जानती हूँ कि तुम बाकी गांव वालों की जैसी नहीं हो। मुझ निरपराध लाचार और बेबस को उन वहशी दरिंदों ने पैसों के लिए खातिर जलाकर मार डाला। मेरे कोख में पल रही बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई शांति। अब मैं एक रूह एक आत्मा बनकर भटक रही हूँ शांति, भटक रही हूँ। आवाज़ में अब रुदन स्वर मिल गया और आवाज़ काफ़ी दर्दनाक सुनाई देने लगी। अब शांति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि कौन थी वो आत्मा। कृपया मुझे बताओ, कौन हो तुम, क्या हुआ तुम्हारे साथ, मुझसे तुम्हें क्या चाहिए, साहस बटोरती हुई शांति ने कांपते होठ हिलाते हुए कहा और दीवार से सटकर खड़ी हो गई। उसे एहसास होने लगा कि अब उसका शरीर सामान्य हो चुका है। सारे सवालों के जवाब जानने के लिए तुम्हें कुएं की आत्मा यानी कि मेरी बात माननी पड़ेगी और मेरी सहायता भी करनी पड़ेगी। करोगी ना मेरी सहायता, बोलो शांति। इस बार बर्फ सी सर्द आवाज़ शांति को दाईं ओर से सुनाई दी। कुछ वो बोल नहीं पाई, लेकिन हामी भरते हुए उसने हाँ में सिर हिला दिया। रसोई में सफ़ेद कोहरा या यूं कहें सफ़ेद धुआं छाने लगा। शांति की आंखें बंद होने लगी और देखते ही देखते वो बेहोश होकर एक अदृश्य सफ़ेद साए की बाहों में जा गिरी। तकरीबन 20 मिनट बाद शांति को होश आया। चारों ओर उसकी निगाहें दौड़ी और खूब अंधेरे में भी उसे एक रोशनी नज़र आ रही थी। उसने देखा कि कुएं के अंदर से एक खौफनाक चेहरे वाली आत्मा जो कि सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी बाहर निकल रही है। बाल बिखरे हुए हैं और एक बार फिर दिल के दर्द या जख्म सुबह पर आ गए और वो आत्मा जोर से चीख पड़ी। शांति के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी कुएं की आत्मा से उसका पाला पड़ने वाला है। खैर, आत्मा अब शांति के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपने आप दो मशालें जलती हुई वहाँ पर हवा में झूलने लगी। शांति ने देखा कि आत्मा के सर से लेकर पांव तक के अंगों में जलने के निशान दिख रहे हैं, मानो उसे बुरी तरीके से जलाया गया हो। शांति उठकर खड़ी हुई और उसके कानों में आत्मा की कर्कश आवाज़ गई, आज अमावस्या की वो काली रात है जो नकारात्मक शक्तियों को बदलवती बनवा देती है। ये एक तरह से मेरे लिए आज वरदान साबित होने वाली है, लेकिन तुम्हें पहले मैं अपनी सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। आशा है कि तुम सुनोगी और समझने की कोशिश करोगी। वो अब कुएं के सीमेंट से बने हुए गोल घेरे या रेलिंग पर जाकर बैठ गई। शांति ने हामी भरी। मैं यानी कि कविता एक मामूली किसान की बेटी थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक बाप को अपनी बेटी ब्याहनी ही पड़ती है, नहीं तो इस समाज लड़की में कोई ऐप ढूंढने में माहिर तो है ही। मेरी सास सोनाबाई, ससुर भुवन और मेरे पति अशराज
तीनों ही मेरे गांव गए थे लड़की देखने। उन्हें कुछ पड़ोसियों ने हमारे घर का रास्ता बता दिया। माँ बाप ने उन्हें साफ कह दिया था कि दहेज वो नहीं दे पाएंगे। मेरे ससुरालियों ने भी वायदा किया था कि बगैर दहेज के ही वो शादी करने के लिए तैयार हैं। मेरे बाप के पास 10 बीघा ज़मीन थी खेती करने लायक। उन्होंने उस ज़मीन को गिरवी रख दिया ताकि मेरा ब्याह अच्छे से हो जाए। लेकिन बारात की रात मेरे ससुरालियों ने अपनी एक चाल चली। उन्होंने मेरे बाप से ऊंची आवाज़ में कहा कि 30,000 नकद दे, तभी डोली उठेगी। बगैर दहेज के विवाह करने में कोई आनंद नहीं। पैसे मिलने पर ही डोली उठेगी, वरना बारात वापस चली जाएगी और साथ में हमारा सम्मान भी। पिताजी उनके पैरों पर गिरकर उन्हें मनाने लगे, लेकिन वो अडिग रहे। गिरवी रखी हुई ज़मीन रातों रात बिक गई और 30,000 नकद मेरे ससुर को मिलने के बाद ही मेरी डोली उठी। कहते हुए कविता की रूह क्रोध के मारे कांप उठी और शांति की आंखों में आंसू आ गए। ससुराल आई तो मेरे साथ जानवर की तरह बर्ताव किया जाने लगा। पति रात में सोने आते और मेरा देह नोचने के बाद आराम से सोते, फिर दिन में मुझे अपना चेहरा तक नहीं दिखाते थे। सास ससुर सारा कांप सौंप कर ऐसे आराम की ज़िंदगी बिता रहे थे और मैं बस सह रही थी सारी जिल्लतें। माँ बाप से क्या कहती, कोई संपर्क नहीं था मेरा, वरना उन्हें अपनी आपबीती सुना चुकी होती। मेरे ससुरालियों ने मुझे मेरे माँ बाप के सामने बदचलन कहा। मुझे उनसे आज तक मिलने नहीं दिया गया। सारे जुल्म सहने के बाद भी मैं चुप रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि एक ना एक दिन ज़रूर आएगा जब मुझे अपने पति का, अपने सास ससुर का प्यार और स्नेह मिलेगा। लेकिन मैं गलत साबित हुई शांति, मैं गलत साबित हुई। सारे अरमान आंसू बनकर आंखों से बह गए, सिवाय दर्द के मुझे उस परिवार से कुछ ना मिला। दर्द से चीखती हुई वो रूह अब झटके से हवा में उछली और एक पत्थर पर दाएं पैर से उसने वार किया। वो त्रिकोणाकार पत्थर टूटकर बिखर गया। फिर क्या हुआ कविता, इस बार शांति ने उसके सामने जाकर कहा। शांति के सजल नेत्रों में उस रूह को अपनापन नजर आया और उसे थोड़ी शांति मिली। मैं पेट से हो गई, एक जीव मेरी कोख में प्रवेश कर चुकी थी और ये जानकर मैं सारे जख्म भूल गई। मैं अपने आने वाले बच्ची को लेकर अपने सपने संजोने लगी जो कि अधूरे ही रह गए, और इन्हीं सपनों ने मुझे कुएं की आत्मा बना दिया। मेरे ससुरालियों ने मुझे जबरन सोनोग्राफी कराने के बहाने हॉस्पिटल का मुंह दिखाया। नर्स और डॉक्टर के मुंह में पैसे मारकर मेरे पति ने सोनोग्राफी के बहाने ये पता लगा लिया था कि मैं एक बेटी की माँ बनने वाली थी। मुझे बेहोश कर दिया गया और मात्र 3 माह तक की ही मेरी और मैं अपनी बेटी को मात्र 3 माह तक ही अपनी कोख में रख पाई, और उन पापियों ने गर्भ में ही मेरी बच्ची को जान से मार डाला, उसके हर एक अंग को नोच गिराया। वो तो नन्ही सी जान थी, भला कितनी देर तक सह लेती। घर में चीखी चिल्लाई होगी, फिर चली गई वहाँ जहाँ से मेरे गर्भ में आई थी। कविता की रूह रो पड़ी। शांति ने उसे छूना चाहा, लेकिन एक रूह को वो छू नहीं सकती थी और ना ही वो छू पाई। मुझे जब पता चला कि मेरी बच्ची मेरी गर्भ में ही मारी गई तो मैं बस एक लाश बन गई थी। लेकिन फिर भी मेरे ससुरालियों ने जरा सी भी दया ना दिखाई। मेरे माँ बाप को ये भी कह डाला कि मैंने चोरी से कुछ दवाइयाँ खाकर बच्चा गिरा दिया। मेरे माँ बाप टूट से गए थे। वो मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन मेरे ससुर ने एक शर्त रख दी थी कि मेरे माँ बाप तभी मुझसे मिल सकते हैं जब वे मेरे पति को 50,000 नकद दे देंगे। उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि उन्हें मेरा ब्याह कराने में भी सारा कुछ उनका बिक गया था। 4 माह बाद भी जब मेरे पति को 50,000 नकद नहीं मिले तो फिर सास ससुर ने मिलकर उन्हें पट्टी पढ़ाई कि मुझे मार कर वे दूसरी शादी कर लें। काली अंधेरी रात को मुझे ज़बरदस्ती घर के पीछे सुनसान जगह पर ले जाया गया। मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया और मेरे हाथ पैर बांध दिए गए। मिट्टी का तेल डालकर उन्होंने बड़ी सहजता से माचिस की तीली जलाई और मुझे आग के हवाले करके मेरी दर्दनाक मौत का तमाशा देखने लगे।
जानबूझकर मुझे बचाने की कोशिश करने का नाटक किया, झूठे जख्म बनाए और मेरी हत्या को आत्महत्या की शक्ल दे दी। मेरी चीखें निकल नहीं पा रही थी क्योंकि कपड़े मजबूती से मेरे मुंह में ठूसे गए थे और आग लगने पर वे कपड़े जलकर पिघल गए और मुंह को जला गए। मेरे गले तक पिघले हुए कपड़े का धधकता तरल पदार्थ चला गया। मैं भगवान से मौत की भीख मांगने लगी। आग में बुरी तरीके से मैं झुलस रही थी और मेरा सारा शरीर पिघलता जा रहा था और फिर मुझे साक्षात दर्शन हुए मौत के। मुझे पागल, बदचलन, गिरी हुई औरत के नामों से नवाजा गया और ये कुआं ही मेरी रूह को रास आया, जिसके बाद मेरी आत्मा यहाँ रहने लगी। लेकिन मैं जब तक उन तीनों की मौत से रूबरी नहीं करवा देती, तब तक ऐसे ही इस कुएं की आत्मा बनी रहूँगी और मुझे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। कहते हुए वो भयानक अट्टास करती हुई बोली। आप बीती सुनाकर उसे हल्केपन का एहसास हुआ। सच में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। वे तीनों इंसान नहीं बल्कि हैवान हैं। इतने नीच हैं कि नरक में भी उन्हें जगह ना मिले। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं सबको बताऊंगी तुम्हारी दर्दनाक कहानी, शांति उसके चेहरे को देखते हुए बोली। मेरी कहानी बांचने से कुछ नहीं होगा। मुझे बस तुम्हारा शरीर चाहिए आज रात के लिए। बिना शरीर के मेरी काली शक्तियाँ कुछ भी नहीं हैं। बस आज रात के लिए मैं तुमसे तुम्हारा शरीर मांगना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। क्या तुम मुझे अपना बदला लेने के लिए अपना शरीर दोगी? सवालिया निगाहें रूह ने शांति पर नजर डाली। पर मेरा शांति से कुछ कहते नहीं बन रहा है। तुम निश्चिंत रहो, आज अमावस्या की रात है, यह उपयुक्त है मेरे कार्य के लिए। सुबह होने पर तुम अपनी यही सामान्य अवस्था पुनः प्राप्त कर लोगी। तुम्हें या तुम्हारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यकीन करो शांति, मुझ पर भरोसा करके देखो। रूह ने दिव्य प्रकाश से जगमगाता हुआ अपने दोनों हाथ उसके आगे फैला दिए, मानो वो भीख मांग रही हो। उस रूह की लाल आंखों में असीम दर्द साफ दिख रहा था। ठीक है, मैं अपना शरीर तुम्हें देती हूँ। जाओ और जाकर उन तीनों का संहार कराओ। कविता, शांति ने भी अपने गालों पर लुढ़क आए आंसू पोछे और दृढ़ स्वर में बोली। वो रूह या आत्मा, अर्थात कविता की आत्मा, जो कुएं की आत्मा बनी हुई थी, उसके जले हुए होठों पर मुस्कुराहट नाचने लगी। देखते ही देखते वो रूह शांति के शरीर में प्रवेश कर गई और असीम शक्ति पुंज की तरह शरीर से और असीम प्रकाश पुंज शांति के शरीर से बाहर निकलने लगा। वो स्वयं प्रकाशमान होकर खुद में ही शक्ति का अनुभव महसूस करती हुई मुस्कुरा गई। कविता की माँ और बाप को सोनाबाई ने घर में 10 मिनट भी रुकने नहीं दिया। जैसे आए थे वैसे ही वे दोनों चले गए, पश्चाताप के आंसू बहाते हुए। भुवन यानी कि कविता का ससुर पलंग में सोया हुआ खर्राटे ले रहा था। सोनाबाई दूसरी ओर पलंग के छोर में लेटी हुई सो रही है। अचानक से उस कमरे की खिड़की एक आवाज करते हुए खुल गई। झटके से खिड़की खुली और उसके पल्ले टूटकर फर्श पर जा गिरे और तेजी से आवाज हुई। सोनाबाई और भुवन झटके से उठे और देखते ही देखते सफेद धुआं पूरे कमरे में प्रवेश कर गया। चैन से सो रहे हो? अब बेचैन होने का वक्त आ गया है। एक भयानक अट्टास और हंसी हुई आवाज कर्कश के साथ गूंजी। उन्हें कोई नजर नहीं आया। दोनों ही कांप उठे और दोनों के होठ मानो सील गए हों। वे दोनों एक झटके से पलंग पर से उछले और सीधा फर्श पर औंधे मुंह जा गिरे। जोर से कराहते हुए दोनों उठने की कोशिश कर ही रहे थे कि लाइट चली गई और घुप अंधेरा छा गया। फिर उन दोनों की तीखी चीख कमरे में गूंजी। दूसरे कमरे में सो रहे कविता के पति अशराज के कानों में चीख गई तो उसका दिल दहल गया, लेकिन अगले ही पल पूरे घर की लाइट चली गई। अशराज को घुटन महसूस हुई और चक्कर खाते हुए वो धम्म से फर्श पर गिर गया।
कुछ देर बाद सियारों और कुत्तों की चीखें और रोने की आवाज़ें वातावरण में काफ़ी भयावह तरीके से गूंज रही थी। रूह ने उसी घर के पीछे सुनसान वाली जगह पर उन तीनों को ज़मीन पर एक दूसरे से सटाकर बैठा दिया है और मोटी रस्सी से तीनों को बांधा गया है। मुंह में कपड़े ठूसे गए हैं और तीनों की पीठ एक दूसरे की पीठ से सटी हुई है। देखो मैं कौन हूँ, कविता की रूह ने तेज आवाज़ में कहा। वो रूह नहीं बल्कि इस बार कविता के रूप में उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो गई। हाथ में जलते हुए मशाल को पकड़ी हुई वो बेहद डरावनी नजर आ रही है। तीनों बोलना चाहते थे लेकिन बोल पाने में असमर्थ थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कविता। तुम तीनों ने मुझे जिंदा जलाया था ना, आज खुद जलोगे। आज इंसाफ करूंगी मैं और मुझे मेरा न्याय मिलेगा। तुम तीनों तड़प तड़प कर आज मेरे सामने मरने के लिए मजबूर हो जाओगे और मैं तमाशा देखूंगी, कविता की रूह ने भयानक आवाज़ में कहा। उसकी आंखों में आंसू भी दिख रहे थे। एक मिट्टी के तेल का डिब्बा प्रकट हुआ और उसका ढक्कन खुला और उन तीनों के शरीर पर वो तेल गिरने लगा। गोल चक्कर लगाते हुए डिब्बा घूम रहा है और मिट्टी का तेल उन तीनों के ऊपर गिरकर उनके शरीर को भिगोता जा रहा है। तीनों ही उस तेल से भीग गए थे। रात के 2 बज रहे हैं और वो तीनों ही अपने मौत को इतने करीब से देखकर होश गंवा बैठे हैं। रूह ने दाएं हाथ में पकड़ी हुई धू धू करती जल रही मशाल से तेजी से उनके ऊपर फेंक दिया। तीनों अब आग से झुलसने लगे। अट्टहास करते हुए कुएं की आत्मा ये देखकर रो भी रही है और हंस भी रही है। वे तीनों अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं। मुंह में ठूसे गए कपड़े जल कर गल गए और फिर से उनका तरल पदार्थ बदल कर उनके मुंह के अंदर से होते हुए गले तक गया और फिर श्वास नली में जाकर जम गया। उन तीनों की बेहद दर्दनाक मौत को देखने के बाद कविता की आत्मा को शांति मिली, तृप्ति मिली। तीनों का शरीर जलकर खाक हो गया और राख ही वहाँ ज़मीन पर बची हुई रही। कविता की आत्मा शांति का शरीर त्याग देती है और शांति को सकुशल उसके घर पहुंचाकर कविता की रूह यानी कुएं की आत्मा ने उससे सप्रेम विदा लिया। सजल नेत्रों से उस रूह को देखते हुए शांति ने उसे विदा दी। अगली सुबह गांव वालों को उन तीनों की मुट्ठी भर राख देखने के लिए मिली और अब धीरे धीरे ये किस्सा भी पूरे गांव में मशहूर हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानियाँ। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। आप अगली वीडियो का सजेशन कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हो। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।